अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी पी के यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अहमद अली। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अननॉक डॉट डी एल एल को फिक्स करने के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि जो अननॉक डी एल एल का एरर आता है उसे आप कैसे फिक्स करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 100% मैथड नहीं है। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि इससे आपका जो मसला है बिल्कुल सोल्व हो जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला फेस करना पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपका मसला हल करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने क्रोम अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है dllfiles.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपने आके सर्च करना है अननॉक आपने सर्च करना है। तो यहाँ पर जो अननॉक की जो फाइल होगी यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड मैंने ये देखें यहाँ पर खुलने वाला है, मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ ये अननॉक डॉट डी एल एल। यहाँ से आपने ये चीज़ डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद मेरे पास ये पड़ी हुई है अननॉक डॉट डी एल एल, आपने जब इसे ओपन करना है तो अननॉक डॉट डी एल एल है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। डेस्कटॉप पे पहले कर लें, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गई, इसे आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है विंडो, आपने जाना है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ड्राइव सी में, फिर यहाँ से आपने जाना है विंडोज़। यहाँ पे सबसे पहले आपने दो जगह पे ये फाइल पेस्ट करनी है। जो सबसे पहले आपने जगह पे पेस्ट करनी है वो है System32, पहले आपने System32 में जाना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है ये फाइल। जब आप यहाँ पे ये फाइल पेस्ट कर देंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर बैक जाना है और यहाँ से आपको एक फोल्डर मिलेगा System WW64, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर भी जाके ये फाइल को पेस्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो जो भी आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बहुत से चांसेस है कि आपका प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मैंने भी जब ये मसला फेस किया था तो मैंने इस तरह इस मसले को हल किया था, लेकिन अभी मेरे पास कोई इस तरह का मसला नहीं था तो मैंने ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल छोटी सी वीडियो बनाई थी। आप भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करना पा रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इट्स अहमद अली गोइंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।